राज्य का उत्थान और मौर्य साम्राज्य का पतन हमने देखा, हमने देखा कि राजा हुए मौर्य साम्राज्य में और किस किसने क्या क्या किया, और मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश आता है, तो शुंग वंश को भी मैंने बताया आपको। लास्ट में मैंने बताया कि शुंग वंश का पतन होता है, अर्थात शुंग वंश जो है उसका जो लास्ट वाला जो राजा है, लास्ट वाला उसका शासक है, वो मारा जाता है शुंग वंश के सेनापति द्वारा, और जो सेनापति है वो कणव वंश की नींव रखता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ शुंग वंश उसका अंतिम शासक, किसने उसको मारा। ये वैसे मैं ये चीज कल भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी आज फिर से बता रहा वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। अब देवभूति के शासन काल में जो सेनापति है शुंग वंश का, वो है वसुदेव, और वसुदेव जो है वो लिख देती हूँ कर्ण वंश की स्थापना करता है, इसको मार दे। जो मर्डर्स हैं, जो हत्याएं हैं, उनका क्रम इस तरह से चलता आ रहा है कि एक पशु दूसरे पशु को मार के जो है उसका राज्य, उसका उसकी सत्ता हथिया लेता है। तो जैसे वसुदेव ने सत्या हत्या ही अपने राजा को मार के, ऐसे ही कर्ण वंश का जन्म शासक सुशर्मा, उसको मार के ये सिमुख जो है सातवाहन वंश का, ये कर्ण वंश का शासक समाप्त कर देता है और सत्ता को हत्या लेता है। आप जो स्टैम पढ़ रहे हैं वो एक तरह से ब्लड बाथ चल रहा है, समय स्त्री में क्या है ब्लड बाथ है, मतलब मर रहे हैं लोग और मार रहे हैं एक दूसरे को सत्ता के लिए, है ना, पावर के लिए, वही चीज हो रही है। तो आपको क्योंकि संस्थापक और अंतिम शासक को याद रखना ही है हर एक वंश के, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सिमुख जो है सुशर्मा को मार डालता है और मार के सातवाहन वंश की स्थापना करता है। अब सातवाहन वंश को थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या है।
अपने राजा की हत्या करके या जो उससे ऊपर जो राजा है उसको मार डालते हैं, और उसके बाद उसकी राजधानी पूछ सकते पेपर में राजधानी लिखते देखते हैं। कैपिटल उसकी प्रतिष्ठान है, और प्रतिष्ठान एक्चुअल में नाउन है तो इसकी इंग्लिश जो है बनाना मुश्किल है, लेकिन कैपिटल राजधानी प्रतिष्ठान राजधानी का नाम है। अब इस वंश में एक शक्तिशाली शासक हुआ है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, इतिहास किन लोगों को याद रखता है, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने कुछ किया है अपने जीवन में जिसका कि प्रभाव समाज पर या इतिहास पर पड़ता है, ठीक है, जिन्होंने वास्तव में हिस्ट्री बनाई है उन्हीं को इतिहास याद रखता है। सातवाहन वंश में और भी बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन हम उसी शासक की बात करेंगे का नाम है गौतमी पुत्र शाकुंतला। ये क्या है, ये सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली शासक है। दक्षिणा साउथ पथ वे या रास्ता, पथ मतलब ऑल अराउंड मींस दक्षिणा पथ पति की उपाधि, मतलब ये क्या है, ये साउथ का जो रास्ता है उसका ऑल अराउंड है, उसका सर्विस द्वारा, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। और ये उपाधि किसकी है या ये जो एक तरह से पोस्ट टाइप की चीज किसको दी गई है, गौतमी पुत्र शाकुंतला को दी गई है, ठीक है, दोनों तरह से। इसके बाद अगले क्या आते हैं, ये एक राजा का नाम है खारवेल। खारवेल क्या है, राजा का नाम है खारवेल, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप देखेंगे जब मैंने पहली क्लास की थी मैंने उसमें बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो खारवेल का एक शिलालेख निकल के आता है, अभिलेख निकल के आता है हाथी गुफा के, आप पहली वाली क्लास में देखेंगे पहली और दूसरी, तो उसमें आपको दिखेगा क्योंकि वही वाला राजा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कलिंग जो है कलिंग के चेरी वंश का प्रसिद्ध शासक है। अब देखिए ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ना सोचें कि मैं इसको क्यों करा रही हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि अभी इससे पहले जो मैंने वंश कराए ये उनके समकालीन है, मतलब उनके टाइम का है ये बंदा, और क्योंकि इसका अभिलेख जो है वर्तमान में प्राप्त हुआ है तो इससे काफी जानकारी होती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, तो
इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो जो जो मैं नोट करा रही हूँ आप नोट करते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हाथी गुम्फा अभिलेख ही आएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है? तो कलिंग के चेदी वंश के साथ साथ खारवेल से संबंधित है, ठीक है? ये जैन धर्म का अनुयायी है। जैन धर्म का अनुयायी है। अब आपको याद होगा मैंने आपको नंद वंश कराया था। नंद वंश में मैंने आपको बताया था कि नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापद्म नंद है। तो महापद्म नंद ने क्या किया था कि महापद्म नंद ने आक्रमण करके जो है जैन मूर्ति चुरा ली थी। वो ये चीज मैंने आपको वहां नहीं बताई है क्योंकि पेपर में नहीं आती है। पेपर में ये आएगा अगर आता है तो खारवेल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, मतलब खारवेल ने जो नंदवंश में मतलब जो जहाँ पर नंदवंश ने शासन किया है वहां पर आक्रमण किया और जैन मूर्ति को वापस लेकर आया, ठीक है? तो लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो एक उनकी लिस्ट में बना रही हूँ, आप देखेंगे। इनमें से कुछ किताबें मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुकी हूँ तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको मालूम भी हो जाएगा कि ये किताब है मौर्य उत्तरकालीन, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद लिखी, ठीक है? तो ये किताबों के नाम है गाथा सप्तशती, महावाष्प चरक संहिता, तो इसको लिखा है हाल, ये प्रसंग का नाम है क्योंकि हाल महावाष्प मैं बता चुकी हूँ किसने लिखी है। ये थोड़ा न्यू है तो इसको आप याद कर लेंगे और ये दोनों मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है? तो इनको लिखेंगे।
काल में लिखी गई है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप टिक लगा दीजिएगा कि आचार्य ने इसकी काम से रचना कनिष्ठ काल में की है और बुद्ध चरित्र जो है वो अशुभ घोषण लिखी है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये तो वो वंश थे जो मौर्य साम्राज्य के बाद अस्तित्व में आए और मिटते रहे साथ के साथ में। देखिए ऐसा होता है, मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य एम्पायर जो है, उसके पहले भारत में बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने आके सारे राज्यों को जीता और उन सबको एक किया, फिर मौर्य वंश खत्म हो गया। तो फिर से सारे राज्य अलग हो गए, मतलब किसी ने कुछ ले लिया थोड़ा सा और उस पर शासन करना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ ले लिया उस पर शासन करना शुरू कर दिया। तो अब आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस ने आक्रमण किया था भारत पे, तो फिर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो गई। मैंने ये भी आपको बताया था, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए सेल्यूकस को, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो एक स्टोरी सी सुनाई थी मैंने आपको। तो अब क्या हुआ कि यहाँ तो चलो ये सारे वंश निकल निकल के आ रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है सेल्यूकस के यहाँ, कि सेल्यूकस जब तक जिंदा रहता है तब तक संधि बरकरार रहती है भारत से कि भारत पर जो है आक्रमण नहीं होगा, भारत पर आक्रमण नहीं करना है, भारत हमारा फ्रेंड है, ऑल दैट। अब सेल्यूकस के ऊपर अधिकारी आते हैं लेकर के, उनके मैं नाम लिखती हूँ। सेल्यूकस के बाद आता है एंटिगोस प्रथम। पहले आप यहाँ लिख लेंगे भारत पर आक्रमण, है ना। सेल्यूकस ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की वहां पर अपने यहाँ, फिर उसके बाद में उसका बेटा आया एंटिकोस प्रथम। उसके बाद आता है एंटिकोस द्वितीय। सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस एक साम्राज्य का निर्माण करता है, हमें वो नहीं पढ़ना है एक्चुअली, या बाहर क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बाहर जो हो रहा है, हमारे कंट्री के बाहर जो चीज हो रही है उसका हमारे कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा सेल्यूकस की लाइफ के बारे में, एंटिकोस की लाइफ के बारे में। तो जैसा कि हमारे यहाँ होता रहा कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार आया, उसके बाद मतलब इन लोगों ने क्या किया, अपने राज्य को एकत्र करके रखा, अपने राज्य को यूनाइटेड रखा, लेकिन जब बाद वाले शासक होते हैं वो खराब निकले, वो नहीं रख पाए, तो ऐसे हुआ। सेल्यूकस ने जो स्थापित किया साम्राज्य उसको एंटिकोस ने बिल्कुल सही सलामत रखा, सुरक्षित रखा, लेकिन एंटिकोस द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ, अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए, मतलब एंटिकोस द्वितीय जो है वो कंट्रोल नहीं रख पाया अपने जो भी उसके सेनापति थे, जो भी उसके सामंत थे उन पर। तो एक लाइन लिख दी सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य को एंटिकोस द्वारा स्थापित साम्राज्य को एंटिकोस प्रथम ने
इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सैलरी का सबका उत्तराधिकारी कौन है, एंटी गोस्पल में ये नहीं आएगा, ठीक है, या सैल्यू बस का राज्य किसके शासनकाल में दिख रहा, एंटी गोस्पल दिख रहा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब इसके बाद जो मैं लाइन आपको लिखवाने जा रही वो आएगी, तो क्या हुआ कि एंटी को स्थिति के शासनकाल में जो इसके सामंत होंगे, जो इसके अंदर वाले होंगे, उन्होंने विद्रोह कर दिया होगा, उन्हीं में से एक है बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस जो कि भारत का आक्रमण करता है, ठीक है, तो बोला जाएंगे। तो जो ऊपर वाली लाइन है वो मैंने आपको इस लाइन को समझाने के लिए लिखी, ठीक है, वरना फिर आप पूछते डेमेट्रियस कहाँ से आ गया, बैक्टीरिया कहाँ था, तो बैक्टीरिया जो है वो सेल्यूलस का राज्य है मान लो। अब इसमें छोटे छोटे नगर है, हर नगर का एक शासक है, तो सेल्यूलस को सबसे कंट्रोल रखना है, सेल्यूलस को कंट्रोल रखना, लेकिन जो एंटीगोस द्वितीय है उसके शासनकाल में सब ये सब स्वतंत्र होंगे, तो डेमेट्रियस जो है डेमेट्रियस फिर भारत पर आक्रमण करता है, यहाँ हमारे भारत है, डेमेट्रियस सोचता है इधर आक्रमण करके और यहाँ से जो है जमीन और पैसा जीता जाए, तो डेमेट्रियस क्या करता है भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, ये चित्र आप नहीं बनाएंगे तो मैंने वैसे समझा दिया है, ये लाइन लेकिन आप नोट करेंगे, ठीक है। क्या हुआ कि डेमेट्रियस जो है अब ये इंग्लिश के नाम है, सेल्यूकस है, एंटिकोस है, डेमेट्रियस है, बैक्ट्रिया, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके तो बहुत आनंद आ गया होगा सुनके, है ना नाम, तो अगर आप इंग्लिश के हैं और आपको इंग्लिश के नाम बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, तो याद कर लेंगे इसको। आप ये ना सोचें कि सारा कुछ हिंदी में चल रहा था, सारे नाम हिंदी के जा रहे थे कठिन कठिन, तो आपकी पसंद के नाम आ गए हैं इसमें तो इनको आप याद कर लेंगे और भूलेंगे भी। तो डेमेट्रियस क्या करता है कि डेमेट्रियस जो है 1790 में भारत पर आक्रमण करता है, अब क्योंकि उस टाइम आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब इंडिया में थे, तो पंजाब अफगानिस्तान और सिंध पर डेमेट्रियस कब्जा कर लेता है और उसी को क्या बोलते हैं हिंदू यवन राज्य, इंडो रोमानी एम्पायर उसको
को आप मोड़ कर लेंगे। प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मिनांडर है। मिनांडर के ऊपर एक किताब लिखी गई है, मिलिंद पन्हो उसका नाम है। अभी मैं उसको इसलिए नोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि दो तीन बार मैं उस किताब का नाम ब्लैक बोर्ड पर नोट कर चुका हूँ। मिलिंद पन्हो उस किताब का नाम है जिसकी हिंदी है मिलिंद ने जैसा कहा। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। तो ये हिंदू यूनानी शासक इसका नाम मिनांडर है और राज्य की स्थापना जब डेमेट्रियस ने की है। ये पूरा चार्ट आप नोट कर लेंगे। और पल्लव दोनों का आक्रमण होता है भारत में। तो पहले शकों की बात करें, शकों ने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि डेमेट्रियस जो है वो अलग हो गया और उसने जो है बैक्ट्रिया को एक अपनी वो बनाया कि बैक्ट्रिया में शासन करूंगा। शकों ने क्या किया, बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और हिंद यवन जो राज्य है इंडो यूनान जो एम्पायर है उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो जब रुद्रदामन बताया था उसका लय भी बताया था। किससे संबंधित है ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। जब मैं अश्रोत करा रही थी तब तो आपको पुराने अपने नोट्स जो रिवाइज करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा तो आप जो है रिवाइज कर लेंगे किसमें क्या है। ठीक है, मैं नोट नहीं करूँगी। पल्लवों की बात करते हैं। प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके साथ में, शासनकाल में
थॉमस। पल्लवों की शक्ति को समाप्त करते कुषाणों चाहता है और कुषाणों शासन अपना प्रारंभ करता है। कुषाण वंश से ही हम ईसा पूर्व से एडी में प्रवेश कर रहे हैं, मींस एनो डोमिनी में प्रवेश कर रहे हैं, तो 15वीं ईस्वी में। ये खबर को जुल ईस्वी में कुजुल कड़फिसेस द्वारा कुषाण वंश की स्थापना होती है या कुषाण वंश स्थापित होता है। अब इसके लिए कुछ और नहीं पढ़ना है, ये इसकी जो संस्थापक है इसमें स्थापना की चीज का नाम इम्पोर्टेंट है। अब इसका उत्तराधिकारी जो है वो हमें पढ़ना है।
परफेसिस को आपको याद हो गया होगा, इसने जो है कोशार्मिंस की स्थापना की है, इसका उत्तराधिकारी आना बिन परफेसिस से शेयर है और इसने सोने के सिक्के चलाए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले दिन जब मैं आपको सिक्के करा रही थी, दूसरे दिन दूसरी क्लास में, तो मैंने आपको लिखा दिया है। बाकी आप यहाँ से प्रोसेस को रिवाइज कर लेंगे और पुराने वीडियोज देख लेंगे और नोट्स भी देख लेंगे, वहाँ से इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध शासक, इसका है कनिष्क। देखिए कनिष्क का जो नाम है उससे ऐसी फीलिंग आती है नाम से कि ये शायद भारतीय होगा, या ये भारतीय राजा है, या भारतीय उससे जो ओरिजिन है इंडियन उससे है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये कुषाण वंश का शासक है। ठीक है, इंडियन ये नहीं है, या जो इंडियन ओरिजिन है, जो इंडियन स्पेसीज है, वो ये नहीं है। ठीक है, ये कुषाण वंशी शासक है। हालांकि ये बहुत अच्छा राजा रहा है, बहुत महान राजा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बना है 78 ईस्वी में शासक बना। ये क्या हुआ है, 78 ईस्वी में शासक बना है और शासक बनने के बाद ही इसने क्या किया है, इसने सत संबत का वो किया है स्टार्टिंग। ठीक है, या 78 ईस्वी से ही इस सन से सत संबत आरंभ होती है। कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र है। देखिए बौद्ध संगीति वाली जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का, तो जिस लेवल का एग्जाम होगा उसी लेवल से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा वो। तो आप जो है जरूर इसको याद कर लें। अब जैसे राजाओं के नाम आते हैं तो बौद्ध संगीत की बात आती है, जैसे हजार सिंह का नाम मैंने लिया, कालाशो का नाम मैंने लिया था, तो उसमें भी करवाई बौद्ध संगीत, तो कनिष्ठ ने भी करवाई है चतुर्थ वाली बौद्ध संगीत। तो राजाओं का नाम आएगा तो बौद्ध संगीत का नाम आएगा, लेकिन तो भी आप कोई बार जो मेरे टेबल लगवाई हो उसको आप रिवाइज कर। अब लिखेंगे मथुरा शैली, मूर्तियों की शैली मैंने बताई थी आपको, है ना, ये तो वही शैली है। मथुरा शैली में कनिष्क की सिर्फ महत्व मूर्ति ली है,
सिर रहे, मतलब उस मूर्ति का सिर नहीं है ना। अब जब मूर्ति बनी होगी उस समय सिर होगा, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रॉय हुई होगी ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन उस मूर्ति पर पहचान है कि करिश्मा है तो, और वो मथुरा शैली की मूर्ति है। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि कनिष्क की मूर्ति जो है जो प्राप्त हुई है या जहाँ से प्राप्त हुई है किस शैली में बनी हुई है, तो मथुरा शैली बनी हुई है। ठीक है, अब शैलियाँ जो है मैंने आपको बता दी हैं, मैं आपको स्रोत करा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कितने तरह की शैलियाँ होती हैं। भवन निर्माण की शैलियाँ मैं आपको करा चुकी हूँ, तो मैं दोबारा मैं नहीं बताऊँगी, आप पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए उसके लिए। और ये लाइन जो है नोट कर लीजिए क्योंकि पेपर में आ सकती है। कनिष्क जो है वो गिनियान बौद्ध तो है, लेकिन वो गिनियान को ज्यादा प्रमोट नहीं करता है, वो महायान को प्रमोट करता है। महायान मतलब वो बौद्ध धर्म के लोग जो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को पूजते हैं, या भगवान बुद्ध की के जो पुराना जो उनका जन्म है, जो उनकी पूर्व जन्म है उसमें भरोसा करते हैं और मूर्तियां पूजते हैं। ठीक है, उसको लिख लेंगे उसके बाद। अश्वघोष जिन्होंने पद्मचरक लिखी है, अभी जैसे आपको लिखवाया, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, अभी मैंने आपको बताया, नागार्जुन थोड़े अभी पढ़ते हैं नागार्जुन के बाद, वसुमित्र जिन्होंने अभी अभी मैंने आपको बताया था अध्यक्षता की, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है,
सापेक्षता का सिद्धांत किसने नागार्जुन ने दिया अपने ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम है माध्यमिक सूत्र। मेडिकल लाइन के जनक मींस फादर ऑफ द मेडिकल लाइन माने जाते हैं। कल जब मैं आपको चरक करा रही थी तो मैंने आपको एक स्टोरी नहीं सुनाई चरक के बारे में, सुनाती हूँ चरक। अगर आप वो स्टोरी सुन लेंगे तो आप चरक को भी याद रखेंगे, चरक की जो किताब है चरक संहिता उसको भी याद रखेंगे, और चरक जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, मेडिकल लाइन के जनक हैं या फिजियोथेरेपी के जनक हैं, आप ये भी याद रखेंगे, है ना। नागार्जुन को आप याद रख लीजिए, नागार्जुन की स्टोरी नहीं मैं सुना रही हूँ। तो भारत के आइंस्टीन बोले जाते हैं, आइंस्टीन क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दिया, आइंस्टीन ने भी दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी किताब है माध्यमिक सूत्र उसमें दिया है सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी, इसमें नागार्जुन ने इसमें क्या है ये भारत के आइंस्टीन बोले जाते हैं। तो चरक के बारे में, हाँ चरक के बारे में बता रही थी मैं आपको। हाँ तो चरक जो है उन्होंने एक बार क्या क्या किया है, उनका ऑपरेशन करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए स्किन जो फट रही है और टांके लगाने हैं, तो उनका टांके लगाने का तरीका क्या है, कि वो बहुत सारे चींटे छोड़ देते हैं, चींटे जानते हो ना, चींटी चींटा वो वाला चींटा जो मोटा वाला काला चींटा होता है, तो चींटे छोड़ देते हैं वो उस घाव पे। तो चींटे क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए स्किन है ना, और ये जो ऐसे देख रही है स्किन, तो चींटे क्या करते हैं, मान लीजिए ये चींटे के डंक है, तो चींटे के डंक ने क्या किया कि एक इधर और एक इधर ऐसे करके जो है उसको स्किन को पास में लाने की कोशिश की, सारे चींटे ऐसे करते हैं, ठीक है। जब चींटे ऐसे लग गए ऐसे करके, मतलब स्किन के एक पर एक डंक उसका चींटे का और दूसरे पर एक दूसरा डंक, और ऐसे छुपा हुआ चींटा तो बहुत सारे चींटे छुपे हुए हैं, तो इस मान लो ये वाला चीज उसका डंक है ठीक है ना, और ऐसे करके वो चुपका है ये दूसरा चुपका हुआ है, उनका जो पीछे का पोर्शन है वो कट कर दिया चरक ने। अब जब चींटे का पीछे का पोर्शन कट कर दिया, या उसके पीछे वाले जो उसका पेट है, जो उसके पीछे की टांगे हैं वो कट कर दी, चीटा मर गया, लेकिन उसके जो डंक है वो उलझे रहे स्किन में, उससे क्या है कि स्किन जो है हील हो जाती थी, स्किन चिपक जाती थी, मीन्स स्किन का एक तरह से टांके लगाने वाला जो होता है ना, टांके लगते हुए जो जो त्वचा में जो टांके लगते हैं वो टांके लग जाते थे ऐसे चीटों की सहायता से। तो बिना सुई बिना धागा और बिना किसी भी और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसे करके ऑपरेशन होता, या ऐसे करके जो त्वचा है उसकी सिलाई कर देते थे चरक, ठीक है। तो इतना सुनने के बाद आपको चरक तो याद हो ही गए होंगे, तो नागार्जुन भी आप याद कर रहे हैं और ये सारा आप याद कर रहे हैं, इसका तो मान होता है। संगम काल में एक्चुअली संगम क्या है, तमिल कवियों का संघ या मंडल,
संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को, संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को प्रसन्न कहते हैं, कौन कौन है ठीक है। अब एग्जाम में मोस्ट ऑफ संगम का मतलब आ जाता है पूछने के लिए कि जो दक्षिण भारतीय काल में संगम काल है उसके संगम का क्या मतलब, तो वो एक्चुअली संगम जो वर्ड है, संगम जो शब्द है आप उससे जानिए, संगम का मतलब है मिलना, मिलाप। तो तमिल जो कवि हैं वो मिलके संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको क्या है संगम बोला जाता है। तो नोट करेंगे इसको, अब क्योंकि मैंने मिलाप बता दिया है, इलाहाबाद वाला संगम भी कुछ कुछ ऐसा ही है, उसमें तीन नदियाँ दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो संगम बनता है। तो वैसा ही सीमें सिंह इसमें तमिल कवियों का संगम, तो तमिल कवि मिलते हैं तो संगम बनता है, उसे संगम काल होता है जिसको कहा जाता है। और पोर्टल लिखो संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को कुल संघ कहते हैं, अगर आएगा एग्जाम में तो उसे नहीं लाया जाएगी, पूछेगा क्या कहते हैं पोर्टल या फिर कुल संघ कौन कहता है, आप दोनों चीज याद रखेंगे और एग्जाम में निकल जाएंगे। अब इसमें तीन वंशों के नाम आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें लिखेंगे। जो भी पेपर में आ सकता है उसकी मैंने छोटी सी टेबल ये बना दी है। ये है तीन वंश जो संगम वंश से संबंधित हैं, चोल वंश, पांडव वंश और चेर वंश, ठीक है। इनके राज्य हैं, चोल वंश का बाघ है, पांडव वंश का मछली है, चेर वंश का धनुष, ठीक है। फिर राजधानी चोल वंश की कावेरीपट्टनम है, पांडव वंश की मदुरै है, चेर वंश की वंजी या करूर, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और प्रसिद्ध शासक चोल वंश का करिकाल है, पांडव वंश का नेम जेलियन है, और चेर वंश का सेनु कवन है लाल चेर, ठीक है। तो पांडव वंश जो है मेलीस के जो शासक होते थे वह अकेले शासक नहीं है, वो शासिकाएं मीन्स यहाँ पर महिलाओं का राज्य था, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता दी। तो ये टेबल आप बना लीजिए, आपको जहाँ तक इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है।
जाता है संगम काल कंप्लीट और मौर्य काल कंप्लीट, अब आता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो जिसका उदय है। अगर आपने नाम न सुना हो तो बता दे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस साम्राज्य के इस काल के महान शासक रहे चंद्रगुप्त। उनका हम आज ही स्टार्ट करते रहे, वैसे वो बड़ा है स्वर्ण क्या टाइम लिया खत्म हो तो मतलब कल का लेक्चर भी जाएगा उसमें, लेकिन आप स्टार्ट कर लीजिए गुप्त साम्राज्य। वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल क्यों है वो भी नोट कर लीजिए। कला साहित्य तथा संस्कृति का अत्यधिक विकास, बना लेंगे एक क्लास। लिच्छवी एक राज्य का एक राजधानी का नाम है। राजकुमारी कुमार देवी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है। लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त का विवाह होता है।
धराज के ऊपर। ठीक है, इतना सारा चलो खत्म के बारे में, तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई चाहे तो आप उनको लाइन से नोट कर लें, एक लाइन करके, या फिर आप ऐसे चार्ट बना दें, बीच में चंद्रगुप्त प्रथम को रख दें और आसपास जो भी उसके बारे में डिटेल है वो सब लिख दें। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से डिटेल मिल जाएगी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपको हर टॉपिक की पढ़नी है, आप उसको बीच में पढ़ना बंद नहीं कर सकते। देखिए, आप में और उन लोगों में जो फाइनल मेरिट पर पहुँच रहे हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस बनेगा कि आप जो है उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है आपको। और जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वही लोग बनते हैं। बाकी फॉर्म तो आप जानते हैं लाखों में भरे जाते हैं, वैकेंसी थोड़ी सी आती है, थोड़े से बच्चे क्यों सेलेक्ट होते हैं, वही बच्चे क्यों सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो खुद कर रहे होते हैं कुछ काम, खुद अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए, मत बनाइए नोट्स, आप यही बात सिर्फ जो मैं लिखवा रही हूँ खाली ये बता दो, इससे आपका एक समझ आपकी विकसित हो जाएगी, उसको सिर्फ आप पढ़ लो एनसीईआरटी एक बार या दो बार। आज मैंने इसे गुप्त साम्राज्य पढ़ाया है, आज आप गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, कल हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो राजा आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप एक चीज और इसके बाद जो है आता है समुद्रगुप्त, ये लिख के छोड़ दे रही हूँ मैं, समुद्रगुप्त को कल पढ़ा। समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त आएगा, उसको पढ़ेंगे। तो जो भी शासक आते जाएंगे उनको हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे, आज बस आप इतना ही कर लें और एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेंगे। Thank you.